एक नए टॉपिक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है गाइज। आज हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए और जितने भी क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पर पेड प्रमोशन करते हैं, कोई भी वीडियोस को बूस्ट करते हैं, तो उनके सामने एक नो परमिशन का एरर आ जाता है। बेसिकली आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर ये एरर क्यों आता है, आज इसको प्रॉपरली समझेंगे और इसको खत्म भी करना जानेंगे। टॉपिक को शुरू कर लेते हैं जल्दी से। तो जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाओ, रेगुलर अपडेट आपको यहीं पर मिलती है एवरीडे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उठाकर फॉलो कर लेना क्योंकि एवरीडे Q&A सेक्शन भी वहां पर आप लोगों के साथ होते हैं। हम यहाँ पर इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं भाई। मैं आप लोगों को बताऊं कि जितने भी क्रिएटर्स पेड प्रमोशन करते हैं, अपने इंस्टाग्राम वीडियोस को बूस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक एरर देखने को मिलता है और बेसिकली ये एरर कुछ इस तरीके का होता है, नो परमिशन। ये परमिशन क्या बताता है, सबसे पहले तो इसको ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है, इस वजह से आप कोई भी एड यहाँ पर रन नहीं कर सकते। अब इसको ठीक कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पर आप लोग जब भी कोई रील को प्रमोट करते हो, बूस्ट करते हो, एक अकाउंट वहां पर ऑलरेडी आपको बनाना होता है जिसमें आपका अकाउंट ऐड होता है और उसमें वॉलेट आपका बनता है जिसमें आप अपने अकाउंट के थ्रू अपनी अर्निंग को वहां पर ऐड कर सकते हो। वॉलेट में ही वो अर्निंग होती है एंड उसके माध्यम से आप वीडियोस बूस्ट कर सकते हो, 1, 2, 3, 10 जितनी वीडियो बूस्ट करनी है वॉलेट के थ्रू होती है। समझ में आ गया? अब यहां पर आपका अकाउंट ही शो नहीं हो रहा, लेकिन इसके अलावा आपका अकाउंट ऑलरेडी है लेकिन यहाँ दिखाई नहीं रहा। अकाउंट में बैलेंस भी हो सकता है आपके लेकिन यहाँ तो शो ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट करोगे तो कोई अकाउंट यहाँ पर ऐड है ही नहीं। तो भाई इसको ठीक करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम में चले जाना है क्योंकि वहीं से ये प्रॉब्लम ठीक होगी। और एक अलावा इसके बाद आप सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट कर लो क्योंकि कई बार ये छोटा सा बग एक अपडेट की वजह से भी हो जाता है। अगर आपने अपडेट कर लिया है फिर भी ये नहीं जा रहा है तो भाई अब आपको करने की जरूरत है और ये इस वीडियो में आप देख के समझ लो 100%। ओके गाइस, पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक कोई मेरी पोस्ट है, अगर मैं इसको बूस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप यहाँ देखिए बूस्ट ऑप्शन जैसे मैं टैप करता हूँ यहाँ पर आ जाता है हमारे सामने ये नो परमिशन वाला। एंड सेम चीज़ आपके साथ हो रही होगी, यहाँ चेंज अकाउंट करोगे लेकिन यहाँ पर कोई भी अकाउंट आपका नहीं होगा और इसके बाद वो यहाँ पर रिव्यू के लिए बोल देगा। आपको कुछ नहीं करना, बैक करना है, बैक करके आपकी प्रोफाइल पर आना है, 3 डॉट पर जाना है एंड 3 डॉट पर सबसे पहले आ जाना है आपको अपने क्रिएटर एंड टूल सेंटर पर। अब आपको यहाँ पर सबसे पहला मेथड दिखेगा ये ऐड पेमेंट, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं बस यहीं से आपको सेटिंग करनी है। एग्जांपल यहाँ पर आपको सबसे पहले पेमेंट मेथड मिलेगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस ऐसा खुल जाएगा जहाँ पर आपका बैलेंस यहाँ 0 शो हो रहा होगा और इसको हम फर्स्ट डिसमिस करेंगे एंड यहाँ पर आपको यहीं से चेंज करना है। यहाँ लिखा हुआ आपका योर अकाउंट, जैसे आप योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ अकाउंट्स मिल जाएंगे। अभी आप अकाउंट्स यहाँ पर देखिए, देखिए मेरा यहाँ पर जो ऑलरेडी अकाउंट था वो यहाँ पर ये ऐड था जिसमें मेरी कुछ अमाउंट भी ऑलरेडी ऐड था। अब मैंने यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद मेरा जो भी 0 अमाउंट था वो यहाँ पर पेमेंट आ चुकी है। मैं जैसे इसको बैक करूँगा और किसी भी पोस्ट को अगर मैं बूस्ट करना चाहूँगा, एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, यही पोस्ट थी जो बूस्ट नहीं हो रही थी, दोबारा से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पर इंटरफेस देखते हैं क्या आ रहा है, क्या वो प्रॉब्लम अभी ख़त्म हुई है या नहीं। ये देखिए अब यहाँ पर मैं इसको बूस्ट कर सकता हूँ, अपने गोल्स ऑडियंस टारगेट वगैरह सब डाल सकता हूँ। एज इट इज़ अब आपकी पेमेंट यहाँ पर हो चुकी है और वही अकाउंट अब आपका सेम आ चुका है, आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। फाइनली आप लोगों ने देख लिया होगा गाइस कि प्रॉपर मैंने वो चीज़ करके दिखाई है। अभी तक उस वीडियो पर बूस्ट नहीं हो पा रहा था लेकिन अगर मैंने अकाउंट यहाँ पर चेंज करा, अकाउंट का मतलब समझ रहे हो आप, ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट बन जाता है और इसको न्यू अकाउंट ऐड करने के लिए बोल भी देता है ये, लेकिन आप अपने मेथड को चेंज करके देखो आपका वॉलेट अकाउंट भी उसके अंदर ऐड होता है, वो डिलीट नहीं होता है। इतना समझ में आ गया होगा तो अब आप वही वीडियो बूस्ट करते हुए देख भी रहे होगे, ऐसे आप इसको ठीक कर सकते हो। यदि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है तो भाई मुझे कमेंट कर देना ताकि लगे कि हाँ भाई मेहनत रंग लाई है। खैर आज के टॉपिक को यही एंड करेंगे, अगला टॉपिक क्या जानना चाहते हो आप इंस्टाग्राम या किसी और एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतने दोस्तों, जय हिंद।